हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2023 में 1 से 15 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, सो पॉजिटिव रहें एंड नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए, ओके। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो फाइन स्ट्रेंथ, ओके, क्वीन ऑफ वंड्स, फाइन, टेन ऑफ कप्स, ओके, एंड द हैंग्ड मैन। नेक्स्ट है यहाँ पर सेवन ऑफ वंड्स, ओके। देखो बॉटम द डेक में क्या है, बॉटम द डेक में है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके लव लाइफ में ना इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन मुझे दिख रही है, यानी अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो मुझे दिख रही है कि आप जब अपने पर्सन के ऊपर गुस्सा करते हो ना तो आपके पर्सन भी उस गुस्से को डेफिनेटली आपको कभी ना कभी वापस दे देते हैं। अगर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो वो इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। अगर आप उनको कुछ गिफ्ट देते हो तो वो भी आपको गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। प्यार जो यहाँ पर दिख रही है, रिलेशन जो यहाँ पर दिख रही है, वो इक्वल गिव एंड टेक वाला है। अगर आप उनको किसी चीज़ से हर्ट करते हो तो वो भी कोशिश करते हैं आपको हर्ट करने की। सो ये बॉटम ऑफ द डेक है एंड ऐसा एक सिचुएशन इस टाइम पर बनने वाला है। अगर ऐसा नहीं भी है तो होने वाला है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी बढ़िया से हाई दिख रही है। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, लियो की एनर्जी भी हाई दिख रही है एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। सो यही है, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका रीडिंग। तो देखो सेंटर में आया है स्ट्रेंथ कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है 1 से 15 तारीख के अंदर ना आपको ना स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एंड साथ में पेशेंस की भी। इस टाइम पर आपके लव लाइफ में ना कुछ बाहर के लोग इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं मुझे, यानी जहाँ पर हो सकता है आपका मर्जी नहीं रहेगा, आपको कुछ काम करने के लिए फोर्स करेंगे, तो ऐसे में मुझे दिख रही है आप इस टाइम पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप किसी इंसान को प्यार करते हो एंड उस इंसान के साथ आपका फैमिली शादी कराने में राजी नहीं हो रहा है, ऐसा एक दिख रही है मुझे, तो ऐसे में आप प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हो। दिस इज अ एग्जाम्पल, ओके। एंड देखो अगर मैं सिंगल लोग की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि बहुत टाइम से आप सिंगल हो, तो इसको लेकर भी इस टाइम पर आप सोचना छोड़ने वाले हो एंड अपने मन को ना स्ट्रांग बनाते हुए दिख रहे हो। सो ओवरऑल मुझे दिख रही है 1 से 15 तारीख के अंदर आपके मन में स्ट्रेंथ बिल्डअप होने वाले हैं एंड कुछ चीज़ों के वजह से आप अपना फेस ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हो, अपना जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं चेंज करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो ये जो कार्ड है ये दर्शाता है आपके मन की स्थिति को। वर्तमान में मुझे दिख रही है आपका मन का जो स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लव लाइफ के साइड से आपके सराउंडिंग्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई सी हैं। आप जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है, उसका उल्टा चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है आप बहुत टाइम से अपने पर्सन से टाइम मांग रहे हो, स्पेस मांग रहे हो, अधिकार मांग रहे हो या फिर कमिटमेंट मांग रहे हो, तो ऐसे में मुझे दिख रही है आपके जो पर्सन है यानी आप जिनके तरफ से चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें बहुत टाइम से डिले कर रही हैं आपके लाइफ में। तो इसके वजह से ही यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप एक शील्ड क्रिएट करने वाले हो एंड इस टाइम पर आप मैनिफेस्टेशन भी करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकन होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, अपने काम में ध्यान देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप अपने ना कुछ काम पोस्टपोन भी करते हुए दिख रहे हो, कुछ डिसीशन कुछ एक्शन शायद इस टाइम पर आप लेने वाले थे 1 से 15 तारीख के अंदर, बट उसको आप डिले करते हुए दिख रहे हो। हालांकि आप इस टाइम पर थोड़ा सा लोगों से डिटैच होने की कोशिश करोगे, खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, रीबिल्ड करने की कोशिश करोगे, बट कोई एक इंसान आपके करीब पहुंचने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं, पास जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आपको फील करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। देखो ये जो इंसान है ये कोई नया इंसान है, यानी आप उनको कैजुअली लेते हो, बहुत ज़्यादा सीरियसली उस पर्सन को ना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, बट वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली इंपॉर्टेंस देते हैं मुझे दिख रही है। आप ना बहुत ज़्यादा चिल माइंडेड पर्सन हो, आप इंजॉय करना बहुत पसंद करते हो, खेलना कूदना, अपने पर्सन के साथ बाहर जाना, नाचना गाना हंसना आपको बहुत पसंद है। तो ऐसे में मुझे दिख रही है कि आपको एक बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो एंड इसके दौरान आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारा खुशियाँ रोमांस इस टाइम पर क्रिएट होती हुई दिख रही हैं आपके लव लाइफ में।
यानी 1 से 15 तारीख कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर बहुत सारा कलर आती हुई दिख रही है। मन की जो फीलिंग्स हैं उसको आप शेयर करते हुए दिख रहे हो किसी एक इंसान के साथ। बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, कहीं पर घूमने जाते हुए दिख रहे हो। एंड इसके साथ ही आपके कुछ बोल्ड विशेज भी पूरे होने वाले हैं आपके लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर कोई एक इंसान आपको कमिटमेंट भी देने वाला है। रीयूनियन की एक चांस भी दिख रही है, एक शादी एंगेजमेंट की चांस भी दिख रही है। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ऐसे एक टाइम के लिए, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं 1 से 15 तारीख के अंदर क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है इस टाइम पर, आप दिल से एकदम से मन से सेटिस्फाइड होने वाले हो। देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस 1 से 15 तारीख के लिए, पॉजिटिव रहें। ओके, द फूल आया है एंड यहाँ पर है जस्टिस, फाइन, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्पेड्स। ओके, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना सोल कनेक्शन है, सोल अटैचमेंट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से बनती हुई दिख रही है मुझे। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर ये कार्ड भी आपको वही बता रहा है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर एकदम से इक्वली डिवाइडेड, एकदम से बैलेंस में रहेगा, एंड खास तौर पे आपके पर्सन के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं जो मैसेजेस है ना वो अच्छे से डिलीवर होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एंड सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है, सोल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपको इस टाइम पर एक बात के ऊपर ध्यान रखना है कि आप जैसा बिहेवियर शो करोगे अपने पर्सन के ऊपर, वैसा ही बिहेवियर आपको रिटर्न में मिलेगा। आपके मन में, आपके जहन में अगर कोई राज है, अगर आप बहुत टाइम से डर की वजह से किसी पर्सन से शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम पर मुझे लगता है आपको बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। बहुत टाइम से आप जिस हैवीनेस को अपने मन में बिठा कर चल रहे थे, उससे आप इस टाइम पर रिलीफ पाने वाले हो। सो थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।